दोस्तों, सनातन धर्म में कई तरह के देवताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें देवताओं के साथ ही देवियों का भी वर्णन है। इसी के तहत वेदों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कई देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इन सभी को पूजनीय और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यही देवी देवता ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और विनाश करते हैं। यहां तक कि देवियों को ही सनातन धर्म में शक्ति माना गया है। तो आज हम आपको हिंदू धर्म की 10 प्रमुख देवियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, देवी दुर्गा। इन्हें आदि शक्ति के रूप में माना गया है, जिसके चलते इन्हें आदि पंच देवों में भी स्थान प्राप्त है। देवी दुर्गा के अनेक रूपों का वर्णन हमें कई धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। वहीं देवी दुर्गा का पूजन नवरात्रि के दौरान बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवी माना गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसा शक्तिशाली असुर का वध कर मनुष्य जाति का उद्धार किया था। समस्त ब्रह्मांड में मां दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी सवारी भी शेर या बाघ है। उनके हाथों में त्रिशूल है, जिसे उन्हें भगवान शंकर ने दिया था। इसके अलावा भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। पवन देव ने धनुष और बाण भेंट किए। इंद्रदेव ने वज्र अर्पित किया। यमराज ने काल दंड भेंट किया और सूर्य देव ने माता को तेज प्रदान किया। नंबर 2, देवी पार्वती। पार्वती देवी पर्वत राज हिमालय और हिमवान की बेटी है। यानी यह माना जाता है कि माता पार्वती देवी गंगा की बहन है। उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सवारी भी शेर या बाघ है। वह भगवान शिव की पत्नी और कार्तिकेय व गणेश की माँ है। माता सरस्वती सती का अवतार है, जो कभी शिव की पत्नी थी, लेकिन अपने पति के प्रति अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण वे आग में भस्म हो गई थी। माता पार्वती देखभाल और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। नंबर 3, देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की शक्तिशाली देवी माना जाता है। दीपावली के दिन भक्त अपने घरों को रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि महिमा, आनंद और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती है। जो भी भक्त श्रद्धा से देवी लक्ष्मी का नित्य पूजा करता है, उसे जीवन में किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वही शुक्रवार की कारक देवी भी इन्हें ही माना जाता है। नंबर 4, देवी सरस्वती। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी माना जाता है। इन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्रह्मा की पत्नी है। इनका वाहन हंस है। उनकी हाथों में वीणा और पुस्तक है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और अपने मंदिरों में ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नंबर 5, देवी काली। भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई है। शक्तिशाली देवी काली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी काली को ज्ञान की देवी और आत्म को मुक्त कर मोक्ष देने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी काली को माता पार्वती का अवतार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा शोभित है। कंठ में कराल विष का चिन्ह और हाथ में त्रिशूल, खोपड़ियों की माला, चाकू और एक खून का कटोरा माता के रूप को भयावह बनाता है। नंबर 6, देवी गंगा। हिंदू धर्म में देवी गंगा की नदी के रूप में पूजा की जाती है। लोगों को विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। देवी गंगा के संबंध में मान्यता है कि यह भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलकर पृथ्वी पर आई है। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण इक्ष्वाक वंश यानी श्री रामचंद्र जी के वंशज भागीरथ के अनुरोध पर हुआ था।
मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति और देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। तब शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया और उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही पृथ्वी पर गिरने दिया। पुराणों में कहा गया है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपदगा कहा जाता है। नंबर 7, देवी तुलसी। देवी तुलसी को हिंदू धर्म में पौधे के रूप में पूजा जाता है। तुलसी के पूजनीयता से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पूर्व जन्म में जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर का जन्म शिवजी की तीसरी आंख से हुआ था, जिस वजह से वह बहुत ही शक्तिशाली था। मान्यता के अनुसार जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता के कारण कोई नहीं मार सकता था, जिस वजह से वह देवताओं के लिए खतरा बनता जा रहा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। विष्णु ने दुनिया को जालंधर के अत्याचार से बचाने के लिए जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के साथ रहने लगे, जिसके बाद वृंदा का सतीत्व खत्म हो गया और शिवजी ने जालंधर का वध कर दिया। यह बात जब वृंदा को पता चली तो उसने विष्णु जी को पत्थर के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिसे आज भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वृंदा खुद चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गई और उसी जगह वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लिया। नंबर 8, देवी सीता। देवी सीता प्रभु राम की पत्नी और मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। नेपाल के जनकपुर में सीता जी के नाम पर जानकी मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें धरती माता की बेटी भी कहा जाता है। श्री राम को वनवास मिलने के बाद देवी सीता उनके साथ वन भी गई, जहां से लंकापति रावण ने उनका अपहरण कर लिया और वहां बाद में प्रभु राम के हाथों मारा गया। लंका से वापस आने के बाद माता सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। देवी सीता स्त्री जाति की शक्ति और सदाचार का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 9, कामधेनु गाय। गाय के रूप में कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। पुराणों में कामधेनु को सभी गायों की माता कहा गया है। हमारे धर्म में कामधेनु को खूबियों की देवी माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से कामधेनु गाय की पूजा करते हैं वह उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कामधेनु के शरीर का प्रत्येक भाग प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उदाहरण के लिए उसके चार पैर चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सींग देवताओं का प्रतीक है और कुबड़ हिमालय के सम्मान खड़े हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उसका दूध मानव जीवन का पोषण करता है। नंबर 10, देवी राधा। देवी राधा को हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। उन्हें राधिका या राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देवी राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में राधा को श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से ज्यादा पूजनीय माना गया है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राधा को कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति के लिए भी जाना जाता है। इसी असीम भक्ति के कारण हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के साथ राधा को भी पूजा जाता है। दोस्तों, आपका इन देवियों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।